मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है, एक कढ़ाई ले ली बड़ी और गैस हमने ऑन कर ली फुल फ्लेम पर, और इसमें डालेंगे करीब करीब हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। कोई भी ऑयल आप अपनी जो भी कुकिंग मीडियम यूज़ करते हैं, और ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम करीब करीब 2 टेबलस्पून डालेंगे लहसुन, गार्लिक डालेंगे, और इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इन दोनों को हम अच्छे से सॉटे करेंगे। फ्लेम हमारा गैस का फुल है, हाई फ्लेम है, तब तक भूनेंगे हल्की सी जो लहसुन की कचाएं निकल जाए। करीब 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्की सी इसका कलर बदल गया है हल्का सा। और इसमें डालेंगे हम करीब करीब 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, हल्का सा सॉटे करेंगे इसको भी। डालेंगे नमक, क्योंकि हमने सॉस में नमक होता है इसलिए हमने नमक थोड़ा सा डालना है, और हल्का सा इसको सॉटे करेंगे लाइट ब्राउन तक, बस प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक सॉटे। इसके बाद डालेंगे हम आधी शिमला मिर्च, लंबी कटेगी या बड़ी कटेगी जैसे भी कटेगी आप अपने शेप पसंद की, इसको सॉटे कर लेंगे। थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल लेंगे इसके बीच में, हल्को से सॉटे कर लेंगे। हमने नमक हल्का डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। फ्लेम हमारा फुल पर ही है, सॉस डालेंगे। यहाँ पर मैं डालूंगी 2 चम्मच डालूंगी टोमेटो सॉस, 2 चम्मच डालूंगी टोमेटो सॉस, और करीब 2 चम्मच डालूंगी रेड चिली सॉस। आप चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और करीब 2 टीस्पून डालूंगी सोया सॉस, मिक्स कर लेंगे। अब डालूंगी मैं इसमें 3 कप पानी, तो ये देखिए 1, 2 तो पानी को बॉईल करूंगी अच्छे से, बॉईल होने तक इसका करेंगे। ये देखिए कलर अच्छा आ गया, अगर ज्यादा डार्क कलर आता तो टोमेटो सॉस डाल के हम कलर बैलेंस कर लेते हैं, कलर बहुत अच्छा आ गया इसका। इसको बॉईल करने के लिए वेट करेंगे 1 से 2 मिनट। ये देखिए बॉईल हो गया है, तो हमने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, तो इसमें 2 से 3 चम्मच में पानी डाल के इसकी एक स्लरी बनाऊंगी। ये देखिए इसकी स्लरी बना रहे हैं, और फिर इसको
मंचूरियन की ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए डालेंगे इसमें। ये देखिए पहले थोड़ा सा डालेंगे, आधी डालेंगे और इसको देखेंगे ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। लगातार कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। देखिए कितनी क्रीमी टेक्सचर, बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर बन गया इसका। फ्लेम को कम कर लेते हैं। बाकी की बची हुई भी हम कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट हल्का बॉईल करेंगे इसको। बॉईल हो गया, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे इसमें और यहाँ पर मैंने मंचूरियन की बॉल्स बना के रखी हुई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो ड्राई मंचूरियन बने की बॉल्स की रेसिपी है वो सेम रेसिपी उसी तरीके से बॉल्स बनानी है हमने। तो अब इसमें हम डालते हैं करीब 1 से 2 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे। हमने करीब 2 से 3 मिनट इसको बॉईल किया है ग्रेवी को और हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब करते हैं इसको सर्व। मंचूरियन विद ग्रेवी रेडी है। ये बहुत यम्मी और ये बहुत हेल्दी है। इसमें हमने कॉर्नफ्लावर जो है बहुत कम डाला है और वेजिटेबल्स खूब भर भर के डाली है। आप भी अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें व्हीट फ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर सिर्फ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डाला था और आप इसको ट्राई करिए। सभी लोग बनाते हैं, सबका मेरा ये आइडिया रहता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कोई भी रेसिपी को एक हेल्दी रेसिपी के रूप में बना के आप सबके सामने लाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।